गाइस, दिस इज ज्योति विश्वकर्मा हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति स्पीक्स। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि ज्योति स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट जाइए इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हर एक अपडेट्स मिलती रहे। साल 2014 में आई फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले टाइगर श्रॉफ की फिल्म को लेकर नया अपडेट सामने आया है। डेब्यू के बाद पहली ही फिल्म में फिल्म फेयर जीतने वाली इस फिल्म का सीक्वल यानी कि हीरोपंती 2 की तैयारियां हो रही हैं। फिल्म में टाइगर के साथ साथ एक और एक्टर की एंट्री होने जा रही है, जो फिल्म में टाइगर से टक्कर लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। वेल दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं। टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोनों पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं। दोनों ने फिल्म मुन्ना माइकल में एक साथ काम किया है। फैंस फिल्म हीरोपंती 2 की घोषणा के बाद फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि हीरोपंती 2 की घोषणा पिछले साल हुई थी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पहले ये इसका पहला शेड्यूल पूरा हो गया था, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से सब थम सा गया। महाराष्ट्र में महामारी के चलते लॉकडाउन जैसे पाबंदियां हटने के बाद फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिल्म का अहमद खान निर्देशन कर रहे हैं, जो कि टाइगर श्रॉफ की बागी 2 और बागी 3 में को भी डायरेक्ट कर ही चुके हैं। साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म के पहले पार्ट में टाइगर श्रॉफ के साथ साथ कृति सेनन भी नजर आई थी। फिल्म के सीक्वल में तारा सुतारिया नजर आने वाली है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने इस साल अपने जन्मदिन पर बताया था कि फिल्म हीरोपंती 2 सिनेमा घरों में 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ये फिल्म पहले 16 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म हीरोपंती 2 को साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेल दोस्तों, वही वर्क फ्रंट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ आखिरी बार डायरेक्टर अहमद खान की फिल्म बागी 3 में नजर आए थे। अब वो हीरोपंती 2 के अलावा बागी 4 और रैम्बो जैसी फिल्मों में काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी राय, अपनी बात कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर रखें। और अब आ ही गए इस वीडियो पे, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। ज्योति स्पीक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।